ऑल राइट, आज हम अरोटा और उसकी ब्रांचेस प्लस हाउ द इन्फीरियर वेना कावा एंड द सुपीरियर वेना कावा कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि कैसे अरोटा की कई सारी ब्रांचेस जो हैं वो बॉडी के डिफरेंट कैविटीज़, डिफरेंट पार्ट्स एंड ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रांचेज ऑफ द अरोटा। तो ये जो हमारा लेक्चर है ये आज शॉर्ट फॉर्म के ऊपर डिस्कस करता हुआ अरोटा की ब्रांचेस के ऊपर डिस्कशन जो है वो करेगा। सो जैसे कि हमें पता है कि अरोटा स्टार्ट्स फ्रॉम दी हार्ट। सो दिस इज़ योर ब्यूटीफुल हार्ट, ओके, हार्ट एंड अरोटा। और हमें पता है कि ट्वेल्थ हमारे जो है 12th लंबर वर्टिब्रे के लेवल के ऊपर आकर अरोटा जो है वो हमारी लेफ्ट एंड राइट इलियक आर्टरीज को बना रहा है। ठीक है जी, हमने देखा कि अरोटा को खुद अरोटा, ठीक है, दिस इज अरोटा और अरोटा, देन थोरेसिक अरोटा, थोरेसिक अरोटा, देन अबडोमिनल अरोटा की ब्रांचेज में डिस्क्राइब किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो हमने कल ये भी देखा कि एट द लेवल ऑफ, कौन से लेवल पर, एट द लेवल ऑफ फोर्थ लंबर वर्टिब्रे, फोर्थ लंबर वर्टिब्रे के लेवल के ऊपर हमारी जो अरोटा है वो राइट एंड लेफ्ट इलियक आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। ठीक है जी, ओके। तो हमने देखा दैट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी ब्रांचेज ऑफ दी अरोटा वन बाय वन। तो सबसे पहले खुद जो हमारी अरोटा है उसमें से निकल रही हैं कौन सी आर्टरीज, कॉरोनरी आर्टरीज, ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉरोनरी आर्टरीज। कॉरोनरी आर्टरीज कौन सी हैं जो खुद हार्ट की मायोकार्डियम लेयर को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। ठीक है, तो उसके बाद है हमारी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो है लेफ्ट, ओके, लेट मी राइट इट क्लियर फॉर यू, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो कि हमारी लेफ्ट आर्म को ब्लड सप्लाई कर रही है। ठीक है जी, लेफ्ट आर्म को ब्लड सप्लाई कर रही है, ओके। उसके बाद है हमारी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो यहाँ से सीधा खुद ब्रेन की तरफ जा रही है। ठीक है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो हमने देखा लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो किसको ब्लड सप्लाई लेके जा रही है, टूवर्ड्स दी ब्रेन। ठीक है, वर्टिब्रल आर्टरी हमने सर्कल ऑफ विलिस में देखा कि वर्टिब्रल आर्टरी भी ब्रेन और सर्कल ऑफ विलिस बनाते हुए ब्रेन एंड नर्वस टिश्यू को अलॉन्ग विद आईज एंड द एरिया अबव द नेक, नेक से ऊपर जितना भी एरिया है उसको ब्लड सप्लाई कर रही हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमने देखा दैट द अरोटा मेक ब्रांचेज, अरोटा इज मेकिंग ब्रांचेज ऑन दी राइट साइड ऑल्सो। तो हमने राइट साइड में सबसे पहले देखा था कि ब्रेकियोस्फेलिक, यस, कौन सी स्फेलिक, ब्रेकियोस्फेलिक जो हमारी आर्टरी है, ब्रेकियो सिफेलिक, ब्रेकियो सिफेलिक आर्टरी जो है वो हमारी राइट आर्म की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। ठीक है, जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड अरोटा में पंप होता है तो सबसे पहला हिस्सा हमारा कॉरोनरी आर्टरीज खुद लेती हैं, हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट हमारी कॉरोनरी आर्टरीज। तो ये मैंने कॉरोनरी आर्टरीज डिस्क्राइब की हैं, लेफ्ट एंड राइट हमारी कॉरोनरी आर्टरी और कैरोटिड आर्टरी, इन दोनों में आपने फ़र्क जो है ध्यान से देखना है। लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी ये जो हैं अभी अरोटा की स्टार्टिंग की ही ब्रांचेज हैं, जैसे ही आर्क ऑफ अरोटा बनती है उसी की जो ब्रांचेज हैं ये प्रेजेंट हैं। और हमने देखा कि आगे जाकर जो हमारी ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी है ये कौन सी बना रही है, राइट कॉमन कैरोटिड। यहाँ से भी हमने एक ध्यान रखना है, यहाँ से भी हमने ध्यान रखना है
कि हमने ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, ओके मैं अभी इसको दोबारा लिखूंगा। हाँ जी, तो ब्रेन को दो तरफ से ब्लड सप्लाई जा रही है, राइट ब्रेकियोसिफेलिक हमारी जो है, ठीक है, आर्टरी से हमारी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये कौन सी है, लेफ्ट कॉमन, ये है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कौन सी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, ठीक है जी, ये जो है ये ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही है, राइट, और ये है कौन सी आर्टरी, अभी कंटिन्यू कर रही है ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, ये जो आर्टरी है दिस इज ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी एंड इट इज़ मेकिंग राइट सबक्लेवियन आर्टरी, आगे जो है इसकी ब्रांचेस हम देखेंगे हमारे राइट आर्म में ब्लड सप्लाई कर रही हैं टूवर्ड्स दी राइट आर्म एंड हमारी जो ये सबक्लेवियन आर्टरी है इट इज़ प्रोवाइडिंग टू दी लेफ्ट आर्म बाय मेकिंग रेडियल अल्नार ब्रांचेस एंड फाइनली जो है हमारे हाथ को ब्लड सप्लाई जो है वो की जाती है। तो यहाँ तक हमने देखा कि कैसे हमारी खुद जो अरोटा है स्टार्ट होते ही कैरोटिड आर्टरी, कॉरनरी आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट हमारी जो है सबक्लेवियन आर्टरी जो है वो बना रही है, राइट, ओके। अब हम बात करते हैं हमारी थोरेसिक अरोटा की। थोरेसिक अरोटा कौन सी अरोटा है, दैट इज सप्लाइंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी ऑर्गन्स ऑफ दी थोरेसिक कैविटी। तो सबसे पहले थोरेसिक अरोटा में आ रही है ब्रोंकियल आर्टरी, ठीक है जी, ब्रोंकियल आर्टरी आ रही है एंड देन कम्स ब्रोंकियल आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई कर रही है टू दी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड इंटरकोस्टल मसल्स। उसके बाद है ईसोफेगियल आर्टरी जो हमारी ईसोफेगियल आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करती है, इट इज़ प्रोवाइडिंग ब्लड टू दी ईसोफेगस, क्योंकि ईसोफेगस भी थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है, ओके। उसके बाद है इंटरकोस्टल आर्टरी, नाम से ही पता चल रहा है, तो आपने घबराना नहीं है, इसको याद करते हुए चार्ट को समझते हुए आपने देखना है कि जैसा ऑर्गन है वैसा ही उसका आर्टरी का नाम भी हो सकता है, तो ये काफ़ी इजी हो जाता है याद करना, इंटरकोस्टल आर्टरी, ठीक है, आप लिख रहे हैं इंटरकोस्टल आर्टरी, ओके। इंटरकोस्टल आर्टरी जो है यहाँ तक हमारे थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक अरोटा की ब्रांचेज ब्लड सप्लाई कर रही हैं, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे हमारी स्टार्ट हो जाती है अबडोमिनल अरोटा, अबडोमिनल अरोटा जो है यहाँ तक हमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई जो है अबडोमिनल अरोटा में देख रहे हैं पहुँच चुकी है पंप होने के बाद फ्रॉम दी लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ दी हार्ट से, जैसे ही अरोटा स्टार्ट हुई तो नीचे की तरफ जा रही है, यहाँ पे एक डिवाइड हो रही है और ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई जो है मिल रही है। तो हमारी जो अबडोमिनल अरोटा है ये सबसे पहले बनाती है फ्रेनिक आर्टरी, ठीक है जी, फ्रेनिक आर्टरी, ये फ्रेनिक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई कर रही है टू दी डायाफ्राम, ठीक है, डायाफ्राम को ब्लड सप्लाई जो है वो की जाती है, डायाफ्राम, RAGM, डायाफ्राम को ब्लड सप्लाई जो है वो की जाती है फ्रॉम दी फ्रेनिक आर्टरी। उसके बाद हम देख रहे हैं सीलिक आर्टरी, ठीक है, सीलिक आर्टरी हमने प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था सीलिक आर्टरी। तो सीलिक आर्टरी का आगे काफ़ी जो है ऑर्गन्स कवर कर रही है, फॉर एग्जांपल इट इज़ मेकिंग गैस्ट्रिक आर्टरी, स्टमक को ब्लड सप्लाई की जा रही है, देन लिवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन एंड पेनक्रियाज, पेनक्रियाटिक आर्टरीज बना के, ठीक है, वो आगे सब ब्रांचेज हैं हेपेटिक आर्टरी, गैस्ट्रिक आर्टरी, बट सीलिक आर्टरी जो है अरोटा से स्टार्ट होती हुई हमारे स्टमक, लिवर, पेनक्रियाज एंड स्प्लीन को जो है स्प्लीनिक आर्टरी बनाते हुए ब्लड सप्लाई कर रही है। कौन सी आर्टरी, सीलिक आर्टरी का नाम आपने याद रखना है, ठीक है, सीलिक आर्टरी। उसके बाद करते हैं बात हमारी इन्फीरियर आई देन सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो हमने देखा सुपीरियर एंड इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, ठीक है, जो हमारी सुपीरियर है वो स्टार्ट हो रही है यहाँ से ऊपर से और इन्फीरियर वाली नीचे से,
ठीक है जी, सुपीरियर ऊपर वाला, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। क्लियर? यहाँ तक हमने देखा कि कैसे हमारे जो अबडोमिनल अरोटा है के ऑर्गन्स हैं वो कौन सी सप्लाई ले रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड सप्लाई फ्रॉम दी अरोटा इट्सेल्फ। ठीक है जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है। ब्रेन को सप्लाई हो चुकी है, आर्म्स को हो चुकी है, थोरेसिक कैविटी को हो चुकी है, देन अबडोमिनल ऑर्गन्स को हो चुकी है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी राइट एंड लेफ्ट इलियक आर्टरीज। तो हमने देखा राइट एंड लेफ्ट इलियक आर्टरीज बन रही हैं, तो सबसे पहले इसको हम बाहर लेके आएंगे। यहाँ पे है राइट इलियक आर्टरी, ओके, राइट इलियक आर्टरी। ये आगे जो है राइट एक्सटर्नल राइट इंटरनल, ठीक है, दो ब्रांचेस बना रही है। राइट इंटरनल, इंटरनल से आपने याद रखना है दैट इट इज़ प्रोवाइडिंग ब्लड सप्लाई टू दी पेल्विस, और पेल्विक ऑर्गन्स को जो है ब्लड सप्लाई कर रही है, पेल्विक ऑर्गन्स। एंड दी राइट इलियक एक्सटर्नल, राइट एक्सटर्नल जो है, एक्सटर्नल जो है इट इज़ प्रोवाइडिंग ब्लड सप्लाई टू दी डॉर्सम ऑफ द फीट, लेटरल पार्ट ऑफ दी लेग्स एंड लेग और थाई इट्सेल्फ, फीमोरल आर्टरी, पॉपलीटियल आर्टरी बना के जो है ब्लड सप्लाई कर रही है। ठीक है, राइट एक्सटर्नल इज प्रोवाइडिंग ब्लड सप्लाई टू दी लेग्स। तो यहाँ तक हमने देखा राइट तरफ जो है इलियक आर्टरी पेल्विक ऑर्गन्स को प्लस लेग्स को फीट को ब्लड सप्लाई दे रही है। अब हम बात करते हैं हमारा जो है लेफ्ट इलियक आर्टरी। सेम पैटर्न आपने याद रखना है बच्चों, जो है यहाँ पे सेम पैटर्न आपने फॉलो करना है। लेफ्ट इलियक आर्टरी जो है ब्लड सप्लाई कर रही है, लेफ्ट हमारी इंटरनल जो अंदरूनी हिस्से हैं पेल्विस के उनको ब्लड सप्लाई कर रही है। ऑब्वियस है ना, दो तरफ से ऐसे ब्लड सप्लाई जो है होगी, अंदर की तरफ टू दी पेल्विक ऑर्गन्स लाइक यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, किडनीज एंड वी कैन से ओवरीज, फलोपियन ट्यूब, ठीक है, सिग्मॉइड कॉलन, सीकम और दी मसल्स, ब्रॉड लिगामेंट्स पड़े हैं, इन सभी ऑर्गन्स को हमारे जो है अबडोमिनल मसल्स हैं, पेल्विक मसल्स हैं, उनको जो है ब्लड सप्लाई की जाती है डिफरेंट ब्रांचेस बना के, जैसे कि हमारी टेस्टिकुलर आर्टरी, ठीक है जी, इसके अलावा ओवेरियन आर्टरी, यूट्राइन आर्टरीज हैं, पोडेंडल आर्टरीज हैं, बड़ी ब्रांचेस हैं। तो लेफ्ट इंटरनल जो है पेल्विक आर्टरी जो है हमारी ब्लड सप्लाई कर रही है, ठीक है। उसी तरह लेफ्ट लेग को लेफ्ट एक्सटर्नल जो है वो ब्लड सप्लाई कर रही है टू दी लेफ्ट लेग इट्सेल्फ। तो हमने देखा कि कैसे जो है हमारी अरोटा डिफरेंट ब्रांचेस बनाते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑफ दी बॉडी तक जो है वो लेके जा रही है, ठीक है। यहाँ से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, उसके बाद हमारे लंग्स में गया फिल्टर होने के लिए, एक्सचेंज होने के लिए, देन यहाँ से हमारी अरोटा जो है स्टार्ट हो रही है, एंड वाल्व्स जो हैं वन वे फ्लो ऑफ द ब्लड को बना के रखते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? द चार्ट, द ब्रांचेस, आप इसकी जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एंड आप इसको नोट भी कर सकते हैं। कुछ नहीं है, कुछ ऑर्गन्स के नाम से ही उनकी जो है आर्टरी की ब्रांचेस हैं, बट बच्चे विदाउट एनी सुपरविजन, विदाउट एनी गाइडेंस इसको देख के थोड़ा सा जो है पैनिक हो जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं, भी पता नहीं इसको कैसे याद करना है, इट इज़ क्वाइट ईजी। ठीक है जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है? ओके, एनी डाउट? नो डाउट? शुड वी कंटिन्यू टू द वीनस सिस्टम?